बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू नो वी आर डूइंग यूनिट नंबर 5, दैट इज ग्रेविटेशन। टुडे द लास्ट टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड द मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इन दिस टॉपिक्स वी विल लर्न दैट व्हाट इज सैटेलाइट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स आर देयर, व्हाट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट and how we can find the motion of artificial satellite with the help of Newton's law of gravitation. So let's proceed. First of all, what is satellite? An object that revolves around a planet is called a satellite. एक object जो किसी भी planet के गिर्द revolve करती है उसे हम क्या कहते हैं? Satellite कहते हैं। Look at this figure students. A satellite is revolving around the earth at h height above the surface of earth. ये एक सैटेलाइट है जो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, अर्थ की सरफेस से h हाइट पे। वो हाइट कितनी है हमें नहीं पता, इसलिए हमने उसको h से डिनोट किया है। और जिस पाथ में ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, ये जो सर्कुलर पाथ है, ये अर्थ का ऑर्बिट है। और देखें, ये अर्थ के सेंटर से लेके इस ऑर्बिट तक जो रेडियस है वो ऑर्बिटल रेडियस है। ओके, एंड ये सैटेलाइट इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट्स कौन सी होती हैं? दैट इज मेड बाय अल्लाह ताला, जो हमारे पास कुदरती हैं। एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स दैट आर मैन मेड। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द नेचुरल सैटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इन डिटेल। There are about 173 known natural satellites orbiting planets in the solar system. Students, हमारे पास जो 173 तक natural satellites हैं, जिनके बारे में हमें पता है, जिनके बारे में हमें नहीं पता उनको हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास तकरीबन 173 natural satellites हैं। अब जितने भी planets हैं सारे, वो भी सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, वो भी सब नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। अब जो हमारे पास प्लैनेट्स हैं, उन पे डिफरेंट नंबर ऑफ मून्स हैं, वो सब मून्स उन प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो भी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। डिफरेंट प्लैनेट्स पे डिफरेंट नंबर ऑफ मून है, जैसे जुपिटर पे 14 मून्स हैं, इस तरह डिफरेंट हमारे पास प्लैनेट पे डिफरेंट नंबर ऑफ मून है और वो सब उनके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो भी नेचुरल सैटेलाइट है। द मून इज ओनली द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अब अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट मून है, ये जो अर्थ के गिर्द क्या करती है? रिवॉल्व करती है। ओके, नाउ व्हाट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स? आई हैव टोल्ड यू दैट मैन मेड सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या है? साइंटिस्ट हैव सेंट मेनी ऑब्जेक्ट इनटू द स्पेस, सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व अराउंड अर्थ। साइंटिस्ट ने बहुत सी चीजें बना के स्पेस में सेंड कर दी हैं, और इनमें से बहुत सी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करती हैं, एंड दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। जैसे ये आपको शो हो रही है कि ये एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, दैट इज मेड बाय साइंटिस्ट एंड इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ओके, बट स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब हमारे पास 173 नेचुरल सैटेलाइट्स थी, देन व्हाई वी नीड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? सो टू आंसर दिस क्वेश्चन, वॉच दिस शॉर्ट वीडियो। When we already have so many natural satellites in space. These satellites are used to transmit and receive signals, reports, and pictures from outer space. We also use these satellites for global communication, television broadcasting, and weather forecasting. I hope students you got it from the help of this video. So let's learn about the explanation of artificial satellites. Large number of artificial satellites have been launched in different orbits around the earth. Students, मैंने आपको ये बताया कि artificial satellites को scientists ने बना के space में send किया है और उनमें से कुछ earth के गिर्द revolve कर रही हैं। अब
जरूरी तो नहीं है कि वो एक ही ऑर्बिट में सारी सैटेलाइट्स मूव कर रही हैं, वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में मूव कर रही हैं। और जब डिफरेंट ऑर्बिट में मूव कर रही हैं तो इसका मतलब है कोई ऑर्बिट अर्थ के क्लोज होगा, कोई उससे दूर होगा, कुछ मतलब उनकी हाइट भी, ऑर्बिट्स की हाइट भी आपस में क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसी वजह से दे टेक डिफरेंट टाइम टू कम्प्लीट देयर वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। इसी वजह से वो अर्थ के गिर्द अपने एक रेवोल्यूशन को कम्प्लीट करने में डिफरेंट टाइम लेंगी। स्टूडेंट्स, इनमें से जो हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो कितना टाइम ले रही हैं? 24 आवर्स ले रही हैं टू कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। वो अर्थ के गिर्द अपने रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में 24 आवर्स ले रही हैं। अब आपको पता है कि अर्थ भी 24 आवर्स में अपना एक जो है वो रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है अबाउट इट्स एक्सिस। हेंस दीस कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर अपीयर्ड टू बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। लुक एट दिस, ये जो सैटेलाइट है दैट इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो बिल्कुल उतनी ही देर में अपने रेवोल्यूशन को कंप्लीट कर रही है जितनी देर में अर्थ कंप्लीट कर रही है। इट मींस इट टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। दैट्स व्हाई जब भी अर्थ के अकॉर्डिंग इस सैटेलाइट को देखा जाएगा तो ये बिल्कुल स्टेशनरी अपीयर होगी। स्टेशनरी का मतलब है कि ऐसा लगेगा कि वो मूव ही नहीं कर रही, क्योंकि दोनों की स्पीड एक जैसी है। एंड इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट द ऑर्बिट ऑफ सच अ सैटेलाइट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जिन ऑर्बिट्स में ये सैटेलाइट मूव करती हैं उन ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब जो डिश एंटीनास हैं वो सेंड भी कर रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं सिग्नल। फ्रॉम देम हैव फिक्स्ड डायरेक्शन। इन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से जो डिश एंटीना सिग्नल्स को सेंड भी कर रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं, उनकी एक फिक्स डायरेक्शन है डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन ऑन द अर्थ। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? कि अर्थ पे उनकी लोकेशन कहाँ पे है। और ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है इनकी अर्थ से जो हाइट है वो कितनी है? 42,300 किलोमीटर। एंड इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ इज जीरो। इसकी रीजन ये है कि अर्थ और ये जो सैटेलाइट्स हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, ये क्या करती हैं? एक ही टाइम में अपने रेवोल्यूशन को कंप्लीट करती हैं, तो इसलिए इनकी जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ जीरो है। आपको ये फिगर में नजर आ रहा है कि एक साथ बिल्कुल वो अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रही हैं। तो इसलिए अर्थ के अकॉर्डिंग हम जब भी सैटेलाइट को देखेंगे तो हमें लगेगा कि वो स्टेशनरी है। इट मींस इट इज नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। ओके, आई होप स्टूडेंट्स यू गॉट इट। नाउ वी हैव टू फाइंड द मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। यू नो सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। एक सैटेलाइट जो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रही है उसे कोई तो फोर्स है जिसने हेल्ड करके रखा हुआ है। आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव करने पे मजबूर करती है। तो अब ये सैटेलाइट अर्थ के गिर्द जो रिवॉल्व कर रही है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है, तो कौन सी फोर्स है जिसमें इसको इस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करवाने में मजबूर किया हुआ है? दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसका फार्मूला हमारे पास क्या है? Fc इज इक्वल टू एम वी नॉट स्केयर डिवाइडेड बाय आर नॉट। अब यहाँ पे हम वी नॉट या आर नॉट क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम ऑर्बिट की वेलोसिटी देख रहे हैं। वी ओ मीन वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट एंड आर ओ मीन रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ओके, अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस सैटेलाइट को मिल कहाँ से रही है? ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन अर्थ एंड द सैटेलाइट इज प्रोवाइडिंग दिस नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है इस सैटेलाइट को कि ये अर्थ के गिर्द ऑर्बिट में रिवॉल्व करें। एंड इस सैटेलाइट का जो वेट है दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, वो अर्थ की तरफ एक्ट कर रहा है। और आपको पता है कि वेट किसके बराबर होता है? F इज इक्वल टू W एंड W इज इक्वल टू mgh। यहाँ पे हमने h इसलिए लिखा है कि ये किसी हाइट पे है ये सैटेलाइट, बिल्कुल अर्थ के साथ अटैच नहीं है, दैट्स वाई। अब हमारे पास ये दोनों फोर्सेस जो है वो गिवन है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या
आंसर रहेगा एम जी एच इज इक्वल टू एम वी नॉट स्केयर डिवाइडेड बाई आर नॉट। यहाँ से अगर हम एम को और एम को कैंसिल आउट कर दें तो द इक्वेशन आफ्टर रीअरेंज इज वी नॉट स्केयर इज इक्वल टू जी एच आर नॉट। ये आर नॉट जो यहाँ डिवाइड हो रहा था वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास वी नॉट स्केयर की ये इक्वेशन आ गई है। लेकिन स्टूडेंट्स हमें वी नॉट स्केयर तो नहीं चाहिए, हमें तो जस्ट वी नॉट चाहिए। तो हम दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ से स्केयर खत्म हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास ये अंडर रूट में वैल्यू आ जाएगी जी एच आर नॉट। और यहाँ पे आर नॉट क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जो हमारे पास किसके इक्वल होगा, आर प्लस एच। देखें अर्थ के सेंटर से लेकर उसकी सरफेस तक उसका रेडियस है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। और ये सेटेलाइट किसी हाइट पे मूव कर रही है, तो इस तरह अर्थ के सेंटर से लेके ऑर्बिट तक जो ये पूरा डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट एंड इट इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच। ओके, सो हम इसको अगर इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी एच आर प्लस एच। दिस इज द वैल्यू ऑफ मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट। नाउ एन अप्रोक्सीमेशन कैन बी मेड, इट इज अ स्पेशल केस स्टूडेंट्स, कि अगर एक सेटेलाइट बिल्कुल अर्थ के क्लोज रिवॉल्व कर रही है तो इसका मतलब है कि वो हाइट जो है वो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल हो जाएगी, रेडियस के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हाइट कम हो गया, वो बिल्कुल अर्थ के क्लोज मूव कर रही है अगर एक सेटेलाइट। तो फिर क्या होगा, हम आर प्लस एच को आर के इक्वली पुट कर लेंगे क्योंकि अब हाइट तो कुछ है ही नहीं क्योंकि वो अर्थ के बहुत क्लोज है, और जी एच को हम जी के इक्वल पुट कर लेंगे क्योंकि अब हाइट तो है नहीं तो हमें जी के साथ एच लिखने की जरूरत नहीं है। सो हमारे पास फिर जो इक्वेशन आएगी वेलोसिटी के लिए, जो मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट है, दैट इज वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। ओके, अ सेटेलाइट रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द अर्थ हैज स्पीड वी नॉट नियरली 8 किलोमीटर पर सेकेंड और 29,000 किलोमीटर पर आवर। ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू है कि वो सेटेलाइट जो अर्थ के बहुत क्लोज रिवॉल्व कर रही है उसकी स्पीड अगर हम किलोमीटर पर सेकंड में देखें तो वो 8 है, लेकिन अगर किलोमीटर पर आवर में देखें तो वो हमारे पास 29,000 है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स यू गॉट इट। नाउ इट इज योर होमवर्क, यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस ऑन योर नोटबुक्स। And the first two questions are, what are artificial satellites and how Newton's law of gravitation helps in understanding the motion of satellites? These two questions are already solved in this lecture in detail, so you have to do these. And if you have any query related to these topics or these questions, you can ask me. Thank you and Allah Hafiz.